भाइयों का भी रिव्यू ले लूँ थोड़ा। मैंने सोचा कि पहले भी आपको कुछ बता दूँ। तो इन भाई के छोटे थे तो भाई आप बता सकते हो आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा? तो भाई देखो, इन भाई की स्कूटी थी ये वाली, ठीक है, जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत दिन से परेशान थे। तो अब हम इनसे रिव्यू लेते हैं, तो बॉस आप बताओगे कि आपको कैसे रिव्यू लगा और काम कैसा लगा? काम बहुत अच्छा लगा रोहित भाई का। मैं 2-3 दिन से बहुत परेशान था। हाँ जी हाँ जी। दो और दुकान में पूछा। हाँ जी। यहाँ पे बैटरी की प्रॉब्लम थी मेरे स्कूटी में। हाँ जी, स्कूटी में ना ये वाली जो है। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा था और लाइट भी नहीं जल रही थी, तो मैं प्रॉब्लम में था कि क्या बात है क्या नहीं है। हाँ जी। तो फिर मैंने 1-2 दिन दुकान में गया, मैं दुकान बंद थी, तो आप जान सकते लॉकडाउन का टाइम है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल दिल्ली में अच्छी वीडियो रखी है। तो इसलिए फिर मेरे ध्यान में आया कि रोहित भाई मेरे घर के बाहर साइड में रहते हैं, तो उनसे जाना मैंने पूछा, मैंने कि ऐसी बात है, तो मैंने फिर बताया, फिर आके उन्होंने चेक किया। हाँ जी। चेक करने के बाद उन्होंने ठीक कर दिया, बिल्कुल फिनिशिंग है, चार काम किया उन्होंने, अब बहुत अच्छा काम। तो अब आगे देख सकते हो हम किस तरीके से काम कर रहे थे इसमें। अभी हमने इसका पैनल खोला, ये देखो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है। और अब देखोगे तो इसका बैटरी का टर्मिनल तो बिल्कुल ही ब्रेक हो चुका, टूट चुका है, वो भी आपका रस्ट की वजह से, जो आपका तेजाब एसिड होता है उसकी वजह से आपका टर्मिनल बिल्कुल टूट गया। तो अभी हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम गर्म पानी करके लाएंगे, ठीक है, गर्म पानी करने के बाद इस पर डालेंगे, जिससे सारा रस्ट खत्म हो जाता है। गर्म पानी ही सबसे अच्छा है इसका तरीका है इसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। आपको क्लीन होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा कि देखो हमने इसे क्लीन कर दिया है, पर अब इसमें ग्रीस जरूर लगाया, जिससे कि आपका आगे फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम आए ना। तो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। बस आप ना मैकेनिकल या इलेक्ट्रिशियन पे 6 महीने में एक बार जरूर चेक कराया करो, जिससे कि आपको एडवांस में इसकी प्रॉब्लम का पता चलता रहे। तो देखो अब ये स्टार्ट हो चुकी है स्कूटी, जिसकी वजह से हेडलाइट भी इसकी बंद थी, पार्किंग लाइट भी बंद थी, और आपका सेल्फ स्टार्ट भी बिल्कुल ही बंद था। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, क्लीन और फ्रेश बिल्कुल, जो कि आप शोरूम में जाते हो, गाड़ी खड़ी कर देते हो, या फिर आप सर्विस सेंटर में भी लेके जाते हो, या फिर आप मैकेनिकल भी लेके जाते हो, वहाँ पर खड़ा करना पड़ता है। आप ये काम कुछ घर पे भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ टेक्निकली नॉलेज है तो।